हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ का, देखिए लिखा हुआ है क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस मार्कशीट 3, डेट इतने तारीख को करना है साइंस का। किसका है? साइंस का। तो देखिए इसमें चार क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दिया हुआ है इसका फार्मूला लिखना है। क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और जो स्लैग लाइम होता है, वो स्लैग लाइम क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। नेम द कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया की अगर हम बात करते हैं, तो एक्वारेजिया जो होता है किससे बना होता है, कंपाउंड्स का नाम। तो एक्वारेजिया बना होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों मिले होते हैं और ये 1:3 में मिले होते हैं। किस में? 1:3 में मिले होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मिले होते हैं 1:3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विच थ्री एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्लूकोज मोलेकुल, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक्चुअली C से बना होता है, H से बना होता है, O से बना होता है। अब C कितने होते हैं? 6, H कितने होते हैं? 12, और O कितने होते हैं? 6, तो ये होता है। तो केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया आंसर, ठीक है। पहले लिखना है C, H और O, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, राइट देयर केमिकल फॉर्मूला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पता ही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसके होता है, दूध फटे ना इसके लिए इसमें डाला जाता है। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH2, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। और जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 10H2O, सॉरी CO3 10H2O, ओके। और जो बेंजीन होता है C6H6 होता है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू।